नाक्सीवाद और हिटलर का उदय के अंतर्गत आज हम लोकतंत्र का ध्वंस और पुनर्निर्माण के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले लोकतंत्र का ध्वंस। 30 जून 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने जर्मनी का सर्वोच्च पद चांसलर के लिए हिटलर को प्रस्तावित किया। सत्ता प्राप्ति के साथ ही हिटलर ने लोकतांत्रिक कानूनों को नष्ट करने की नीति अपनाई। इसी बीच संसद में रहस्यमयी अग्निकांड हुई। 28 फरवरी को अनिश्चित काल के लिए लोकतांत्रिक अधिकार स्थगित कर दिए गए। साम्यवादियों को दंड दिया जाने लगा। 3 मार्च को विशेषाधिकार कानून पास कर तानाशाही को लागू कर दी गई। राजनीतिक दलों एवं मजदूर संगठनों पर पाबंदी लगा दी गई। गेस्तापो और विशिष्ट सुरक्षा दल बनाए गए। लोगों को गेस्तापो यातना शिविर में भेजा जाने लगा। पुलिसों को असीमित अधिकार दे दिए गए। आर्थिक उत्थान हेतु हिटलर यानमार साख्त को नियुक्त किया। सुपर हाईवे और लोगों की कार वैक्स वैगन का निर्माण हुआ। हिटलर लीग ऑफ नेशन से अपने को बाहर कर लिया और राइनलैंड पर कब्जा कर लिया। ऑस्ट्रिया एवं जर्मनी का एकीकरण किया। चेकोस्लोवाकिया को हराकर सुडेटनलैंड पर कब्जा कर लिया। शाख ने सलाह दिया कि वह अस्त्र पर ज्यादा खर्च न करे। हिटलर 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी, इटली और जापान में त्रिपक्षीय समझौता हुआ। 1940 में हिटलर की शक्ति चरम सीमा पर थी। 1941 में हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया। रूस की लाल सेना ने हिटलर को परास्त कर दिया। जापान ने हिटलर को सहायता बढ़ा दी। अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जापान ने बम फेंक दिया। अमेरिका बाध्य होकर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिया और नष्ट कर दिया उसके शहरों को। इस प्रकार से युद्ध की समाप्ति हुई।